કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય નેતા અને વડોદરાના પ્રભારી રામકિશન ઓઝાજી વડોદરા શહેર આવ્યા છે. વડોદરા શહેરમાં તેઓ આવ્યા હોય તેઓ દ્વારા ભારતીય જનતા પાર્ટી પર આકરા પ્રહારો કરવામાં આવ્યા છે. પોતાની પ્રતિક્રિયા તેમણે અલગ અલગ મુદ્દાઓ પર આપી હતી અને ભારતીય જનતા પાર્ટી પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. નિયુક્તિ કે બાદ વડોદરામાં આજે મેરી દૂસરી વિઝિટ હૈ. આક્રોશ રેલી કે સમય મેં યહાં આયા થા और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हमारे शहर के अध्यक्ष ऋतुक जी, हमारे महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता भत्तू भाई, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष पंकज जी और दूसरे हमारे महामंत्री और हमारी पूर्व विरोधी पक्ष नेता या अमी बहन और रावल जी, हम सब यहाँ पर सुबह से बैठकें ले रहे हैं. पिछली बार जन आक्रोश रैली में मैं आया था. जिस तरह से बाढ़ का तांडव इस बड़ौदा शहर में हुआ था उसके विरोधा जिस तरह से भाजपा सरकार द्वारा यहां पर जनता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया उस चीज़ की लड़ाई में हम यहां आए थे और ये दूसरी हमारी बैठक है. आज की बैठक में संगठनात्मक पहलू पर चर्चा हुई. सभी हमारी कोर कमेटी की जिले की बैठक हुई, उसमें कई निर्णय लिए गए और आज विधानसभा निहाई हमने यहाँ पर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठकर सभी पदाधिकारियों से और प्रमुख नेताओं से चर्चा की है. चर्चा का प्रमुख मुद्दा ये रहा कि जो जिस तरह से बड़ौदा शहर को बर्बाद करने का काम भाजपा की सरकार ने यहाँ किया है, जिस बड़ौदा शहर ने 2014 में मोदी जी का सपना पूरा करने के लिए इस देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मताधिक्य देकर उसको उनको जिताया था यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर जैसे भ्रष्टाचार की लाइन लग गई, चाहे वो विश्वामित्र नदी का किनारा हो, चाहे शहर के गार्डन हो, चाहे शहर के छोटी झुग्गी झोपड़ी बस्तियाँ हो, कहीं पे भी कोई भी किसी तरह का काम नहीं हुआ है. सिर्फ ये हुआ है कि उस पर कब्जा कर बिल्डर को दे दिया गया. ये ऐसा नहीं, ये सब बीजेपी का फैला हुआ भ्रम है. आप यहाँ मंच पर देख रहे हैं कि विरोधी पक्ष नेता भी है, पूर्व विरोधी पक्ष नेता भी है, हमारे वरिष्ठ नेता भी यहाँ हैं, अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, हम सब के सब साथ में हैं और कोई भी हमारे बीच में कोई भी लड़ाई नहीं है. ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम भाजपा करती है. जिस तरह से बाढ़ के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कई तरीके अपनाएगी और अपना भी रही है. पत्रकार लोगों को मालूम है, मीडिया को भी देख रही है कि उनका काम इस देश के अंदर जनता का काम करके या कोई अच्छा काम करके उनको वोट नहीं चाहिए. उनको लोगों को बांटना है, लोगों को डिवाइड करना है, बीच में मतभेद पैदा करना है, सरकार के तंत्र का गलत इस्तेमाल करना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकी देनी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पुलिस में कंप्लेंट करनी है, मोर्चे निकालने से रोकना है. मोर्चे निकालने के लिए संविधान के अंदर कोई रोक नहीं सकता है. लोकतंत्र के अंदर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा है, हर नागरिक को अपनी बात कहने का हक है और पूरे देश में कही जाती है. गुजरात ही ऐसी जगह है जहाँ पे कार्यकर्ता अगर मोर्चा धरना करता है तो उसको पुलिस पकड़ कर ले आती है. ये क्या चल रहा है गुजरात में? 30 सालों से यह जनता देख रही है, जनता परेशान है, तंत्र फेल हो चुके हैं, सरकारी अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतें, महानगर पालिकाएँ बर्खास्त है. ये क्या क्या हो क्या रहा है इस देश में? ताना चाहिए क्या? ये इस जनता का दिया हुआ पैसा ही वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. कहीं पुल बह जा रहे हैं, कई सड़कें डूबे जा रही हैं, बड़े बड़े विमानतल नीचे ढह जा रहे हैं. पहले भी काम हुए हैं, भाखड़ा नंगल डैम हुआ है, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इस देश में बनी है जो आज तक बनी हुई है. ये चल क्या रहा है? आप लोगों से हमें सहयोग चाहिए कि आप जनता के बीच में ये पहुँचाए बात कि जाति पे, धर्म पे, गटों पे निर्माण करके उनको डिवाइड करके इस देश में सत्ता चली जा रही है. मोदी जी इस देश के नाम से, इस राज्य के नाम से चुनाव जीते हैं, पूरे देश में गुजरात मॉडल का नाम बता बता के उनको वोट मिले हैं. लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने पूरी शिद्दत से और पूरी जवाबदारी से कहता हूं कि वो गुजरात मॉडल नहीं था, वो मोदी मॉडल था. गुजरातियों को बदनाम करने का काम इस देश में किया जा रहा है. क्या गुजरात मॉडल है ये वाला? ये मोदी मॉडल है जो पूरी तरह ढह चुका है और जिसका जीता जाता उदाहरण जो है वो बड़ौदा शहर के, बड़ौदा की जनता ने देखा है, गुजरात की जनता ने देखा है. ये जनता देखेगी और इसका सबक सिखाएगी, महानगर पालिका में उनको अपनी जगह दिखा देगी. बाढ़ आती है, एक ये विपदा है शहर में आती है, लेकिन सरकार का जो काम है उस काम से सरकार नाकामा रही है.
सरकार ने कोई भी सहयोग इस शहर की जनता को नहीं दिया है। भाजपा की सरकार इस देश में है, प्रधानमंत्री का फंड जो है का कोई हिसाब नहीं रखा जाता और ऐसे ऐसे कामों में खर्च होता है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता। प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे, हज़ारों करोड़ रुपये सड़कों पर खर्चा हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का बजट का 2 रुपया भी बड़ौदा शहर के इस विपदा के लिए, जनता के सहयोग के लिए 2 रुपया भी शहर में नहीं आया। भाजपा की सरकार ने भी कोई काम नहीं किया। हमने जन आक्रोश रैली की, लोगों के पास गए, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता गए, उन कार्यकर्ताओं के जाने के बाद, आक्रोश रैली होने के बाद थोड़ा सा टुनटुना और थोड़े बहुत 50-60 लोगों को, 50% 60% लोगों को थोड़ी सी सहायता की गई। इस शहर को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है वो भाजपा ने किया है। इसी मुद्दे पर हमने आज, क्योंकि आने वाले समय में हमें जनता के बीच जाना है, उस मुद्दों को लेकर हम जनता के पास जाएंगे। आज पूरी सभी विधानसभा की बैठक हुई है, एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी, वार्ड के पदाधिकारी, वार्ड के अध्यक्ष, पूर्व हमारे विधायक और उम्मीदवार, सभी के साथ मिलकर चर्चा की कि आने वाले समय में हमारी कैसी रणनीति हो जिसमें हम इस शहर में जिस तरह से जो तांडव हुआ है, जो लोग अभी भी बेचारे तकलीफ में हैं, किसी का घर भर गया, किसी के बर्तन डूब गए, किसी के कारें डूब गई, दुकानदारों का नुकसान हुआ, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, इंश्योरेंस किया गया, इंश्योरेंस बोलते हैं कि हमने पानी का उसमें लिया ही नहीं था, इस तरह का काम यहाँ हुआ है। सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, लोगों के साथ न्याय करना चाहिए, लोगों को मदद करनी चाहिए। जिनके घर डूब गए हैं उनके घर को रिपेयर करने का मदद करनी चाहिए, जिनके बर्तन डूब गए हैं उनको सहायता करनी चाहिए, जिनके दुकानों में उनका सामान पूरा बह गया है, उनकी दुकानें खराब हो गई है और वो रास्ते पे आ गए हैं, उनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, ऐसे लोगों को मदद करनी चाहिए। हमारा प्रमुख उद्देश्य यही रहा है और कांग्रेस हर समय इस चीज़ की लड़ाई लड़ती रही है और आज भी पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे पे, बाढ़ के मुद्दे पे बीजेपी को घेरने का पूरा प्रयास करेगी और घेर के जनता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरेगी और सड़कों पर उतर के मोर्चाबंदी करके यहाँ आने वाले नेताओं को भी काले झंडे दिखाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सदैव मध्यमवर्गी, निचले तबके के लोग और उनको देने वाली बुनियादी सेवा सुविधाओं पे काम किया है। इस देश में अगर किसी ने बुनियादी सेवा दी है तो कांग्रेस ने दी है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, चाहे लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें। इन लोगों ने जो जो बुनियादी सेवाएं इस देश में निर्माण की थी, सबको बेचने का काम और सबको ध्वस्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो भाजपा ने किया है। हम ये मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाएंगे और महानगर पालिका हम जीत के दिखाएंगे।